स्टैंडर्ड थर्ड एस एस टी चैप्टर नंबर सिक्स वाटर ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव लिविंग बींग को पानी जीने के लिए चाहिए लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर पानी के बिना जिंदगी नहीं जी सकते द अर्थ हैज़ लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर एयर एंड सनलाइट अर्थ पे हम क्यों जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर है एयर है और सनलाइट भी अवेलेबल वी ऑल नीड वाटर फॉर वेरियस रीज़न हमें पानी का पानी का, कितने आ, हमें पानी क्यों चाहिए कितने का कितने रीज़न है हमारे लिए कि हमें पानी क्यों चाहिए तो कपड़े धोने के लिए बर्तन धोने के लिए तो इधर देखो वी नीड वाटर टू क्वेंच अवर थर्स्ट थर्स्ट मीन्स प्यास हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी चाहिए टू कुक फूड खाना पकाने के लिए भी पानी चाहिए टू टेक bath एंड टू वॉश क्लोथ एंड यूटेंसिल नहाने के लिए भी चाहिए कपड़े धोने के लिए भी चाहिए बर्तन धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड पॉइंट प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड प्लांट्स को भी पानी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ एनिमल्स को भी पानी पीने के लिए चाहिए और नहाने के लिए भी चाहिए वाटर सपोर्ट्स फिश एंड अदर मरीन लाइफ्स टू मतलब पानी ये जो पानी के अंदर जो रहते हैं वाटर एनिमल्स जैसे कि फिश है ऑक्टोपस है जो भी पानी के अंदर रहते हैं उनको भी पानी के बिना नहीं चलता उनको भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो ग्रोक्रॉप्स जो खेती करते हैं उनको भी फसल उगाने के लिए पानी चाहिए वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकसिटी पानी के बिना हम बिजली कैसे लाएं? इसलिए बिजली लाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी मेड विथ हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकसिटी जो पानी से जनरेट होती है बिजली उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकिटी बोलते हैं वाटर इज यूज टू पुट आउट फायर आग बुझाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है multiple choice question this is generate this is the electricity generated from water which type of electricity hydro liquid hydroelectricity hydro bulb or none of these here already answer is given hydroelectricity so b is the answer we need water every day for our day to day activities to brush our teeth to take a bath to wash clothes and utensils and to वाटर द प्लांट्स एंड ट्रीज इन अवर गार्डन हमें पानी रोज चाहिए वी नीड वाटर एवरी डे हमें पानी हर रोज़ चाहिए होता है फॉर अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो मतलब जो हम डेली करते हैं जैसे कि हम ब्रश करते हैं दांत को फिर नहाते हैं कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं या पेड़ पौधों को पानी डालते हैं गार्डन में हैवी अवर वंडर फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर आपने सोचा है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है इन सिटीज़ शहरों में वाटर इज सप्लाई टू अर होम थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस शहरों के अंदर पानी कैसे पहुँचता है सप्लाई किससे होता है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस की हेल्प से सबको पानी मिलता है वी गेट इट थ्रू टैप्स कनेक्टेड टू देम। जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है उसको हमारे घर पे जो नल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और उस उसकी हेल्प से हमें घर पे पानी मिलता है इन विलेजिस पीपल यूज वेल और हैंड पंप टू गेट अंडरग्राउंड वाटर जो गांव में रहते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है वेल well में से या तो कुएं में से मतलब हैंड हैंडपम्प जो आपको पंप जो मिलता होता है वहाँ से और अंडरग्राउंड टू गेट अंडरग्राउंड वाटर जमीन के अंदर से पानी वो निकलता है पीपल इन डेजर्ट एंड ड्राई प्लेसिस कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर क्लीनिंग जो पीपल डेजर्ट के अंदर होता है या तो ड्राई प्लेसेस पे होता है तो वो पानी कलेक्ट करते हैं जब बारिश होती है तब एंड यूज़ इट फॉर क्लीनिंग साफ करने के लिए जैसे कि वॉशिंग एंड इवन ड्रिंकिंग वो साफ़ करके फिर वो कपड़े या जो कुछ भी धोना होता है वो धोते हैं और फिर पानी पीने के लिए भी वो यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैं। हर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को इकट्ठा करना और फिर उसको बाद में यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना वाटर साइकिल वाटर साइकिल क्या है द सन शाइन वेरी ब्राइटली ड्यूरिंग डे टाइम दिन के टाइम में सन एकदम ब्राइट शाइन करता है इट मेक्स द वाटर इन वोसंस सी रिवर्स लेक्स एंड पॉइंट्स हॉट जो लैंड ओसंस होता है यानी कि दरिया होता है समुद्र होता है सीज नदियाँ होती है रिवर्स लेक्स एंड पॉइंट्स उसका जो पानी होता है उसको सनलाइट क्या करता है सन जब ब्राइटली शाइन करता है डे टाइम में उस वक्त वो वाटर क्या होता है एवेपोरेट होता है गर्म होता है गर्म होने के बाद क्या होता है देखो हीट हीटेड वाटर फॉर्म वाटर वेपर्स जो पानी गर्म होता है तो उससे क्या होगा वाटर वेपर होगी एंड राइज टूवर्ड्स द स्काई वो पानी कहाँ जाएगा स्काई के पास देयर इट कुल्स टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वहाँ पर वो ठंडा होके उसकी छोटी छोटी बूंदे बनेगी पानी की दीज टाइनी ड्रॉप्स जॉइन डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लाउड्स जो छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाएगी और उसके क्लाउड्स बनेंगे वेन मोर कूलिंग टेक्स प्लेस द वॉटर ड्रॉप्स बिकम्स बीगर एंड बिगर जैसे जैसे ठंडा होगा वहाँ पर तो वो जो वाटर ड्रॉप्स है वो बड़ा बड़ा होता जाएगा वैन क्लाउड्स कैन नाट होल्ड दम एंड लॉन्गर मतलब जैसे जैसे बड़ा होगा और क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा होल्ड कर पाएगा नहीं पकड़ पाएगा नहीं उसी वक्त क्या होगा दे कम डाउन एज अ रेन उस वक्त वो बारिश की तरह गिर जाएगा मतलब उसको हम बारिश ही बोलते हैं द रेन वाटर फ्लोज टू ज्वाइन द रिवर पॉइंट्स एंड ओसन जो रेन वाटर है वो वापस से कहाँ से फ्लो होगा रेन रिवर्स में होगा पॉइंट्स में एंड ओसन्स में तो वापस से जो पानी वाटर पेपर में कन्वर्ट हुआ था फिर उसका क्लाउड बना क्लाउड में से वो ठंडा होके फिर बारिश गिरी तो वापस से वापस कहाँ आया जहाँ से आया था वही वहीं के वहीं आ गया कि जैसे कि रिवर में से वो एवापोरेट हुआ था पॉन्ड्स में से ओसन में से मतलब उस तीस प्रोसेस इज कॉल्ड द वॉटर साइकल वो साइकिल चलती ही रहेगी टू सी एवोपोरेशन ऑफ वाटर कीप ट्रो ऑफ वाटर आउट इन द सन आपको अगर वाट, वाटर एवोपोरेशन देखना है तो आपको क्या करना है कीप ट्रॉट आउट ऑफ वाटर इन द सन के बाहर रख दो See how its level goes down due to evaporation. Ultimately, the entire water will evaporate due to the heat produced by the sun. If you want to see this experiment, then what you have to do in one bowl, you take one or two spoon of water, and afterwards, you put that in the sunlight. After few hours, if you will see that water, you have to keep under in the sunlight and afterwards if you will see after few hours that water will evaporate means it will due to heat it evaporate in the heat air Surface uh, sources of water rain is the main source of water on the earth rain e is the main source of earth panica mountains are covered with snow but during summer the snow melts to form river जो माउंटेंस के ऊपर बर्फ होती है स्नो होता है वो समर में पिघलता है और पिघलने के बाद वो रिवर में फ्रॉम फ्रॉम द रिवर वो बह जाता है पानी रिवर के अंदर द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स सम ऑफ द वाटर स्टेप्स वाटर स्टेप्स अंडरग्राउंड एंड देयर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स और पम्प पम्पड अप थ्रू हैंड पम्प और ट्यूबवेल्स जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड होता है एंड द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स ड्रॉन मतलब निकालना वेल well में से निकालते हैं पंप पंप में से थ्रू द हैंड पंप और ट्यूब वेल्स हम पानी वहाँ कहाँ से निकालते हैं ट्यूबवेल की हेल्प से या तो फिर हैंड पंप की हेल्प से हम निकालते हैं वेयर ड वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन द स्पेस गिवन बिलो राइट द फोर एग्जाम्पल ऑफ प्लेस इज़ वेर यू फाइंड वाटर आउटसाइड योर हाउस तो इधर आपको दिखेगा कि वेल well है हैंड पम्प है फिर ट्यूबवेल well है और फिर एक लिखेंगे वाटर पाइप pipe. जो पाइपलाइन हमने जो सिटी में होती है वो अभी तो गांव में भी वो फैसिलिटीज़ हो गई है तो आपके घर पे वो टैप वाटर भी आता है वेल well में से भी आप लाते होंगे ट्यूब वेल well में से भी लाओगे और कहीं कहीं जगह पे अभी तो ट्यूब वाटर पम्प हैंडप भी आप छोटे गाँव होंगे वहाँ पर आपको दिखने के मिलेंगे क्लीन वाटर वैन द स्नो मेल्ट टू फॉर्म रिवर द वाटर इज क्लीन स्नो जो पिघलता है वो एकदम क्लीन वाटर होता है बट एज़ द रिवर रिचिज द प्लेन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग वॉशिंग एंड थ्रोइंग वेस्ट मेक्स द वाटर डर्टी और पॉल्यूटेड मतलब जो स्नो मेल्ट होता है उस वक्त वो पानी एकदम क्लीन होता है लेकिन जैसे ही वो रिवर के अंदर जाता है तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि नहाते हैं कपड़े धोते हैं या तो फिर वेस्ट डालते हैं तो उससे पानी क्या होगा डर्टी और पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड वाटर कैन मेक्स मेक अस सिक जो गंदा पानी होता है वो हमें बीमार करेगा वी हैव टू मेक इट प्योर बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग हमें उसको क्लीन करना होगा कैसे कुकिंग करके या? और ड्रिंकिंग कुकिंग करने के लिए और पीने के लिए हमें उसको साफ़ करना होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट नाव इज वी आर यूजिंग आर ऑल्सो वी शुड जब पहले के ज़माने में जब नहीं था तो वो गर्म करके फिर वो यूज़ करते थे वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर हमें जो पानी हम रखते हैं घर के अंदर तो वो क्लीन होना चाहिए और जो जिसमें हम भरते हैं वो ढका होना चाहिए अब स्कूल बॉटल्स ग्लासेस एंड स्लीपर्स शुड बी क्लीन हमारे जो स्कूल के जो बॉटल है ग्लासेस हमारे हैं ग्लास पानी के एंड सीपर्स सीपर्स मीन्स हम जो क्या पाइप वाला नहीं आता तो चूस अब उसको सक करके पीते हो वो शुड बी क्लीन एट होम वी कैन प्योरिफाई वाटर बाय हम कैसे कैसे घर पर हम पानी को साफ सुथरा बना सकते हैं बॉइलिंग इट फॉर मिनिमम टेन टू फिफ्टीन मिनट्स टू किल ऑल द जम्स प्रजेंट इन इट मतलब हमें पानी को दस या पंद्रह मिनट के लिए उबालना चाहिए उसके बाद हम उसको ठंडा करके पी सकते हैं हम अगर हम दस या पंद्रह मिनट के लिए हम अगर उबालेंगे तो उसमें से जम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे मर जाएंगे एडिंग क्लोरिन टैबलेट इन इट अगर आपको गर्म नहीं करना है तो उसके अंदर आप क्लोरिन की टैबलेट डाल दो एंड फिल्टरिंग इट उसको हमें क्या करना है छानना है स्टेनर सेव वाटर पानी को कैसे बचाना है वी वेस्ट लॉट ऑफ वाटर एट होम एंड स्कूल हम घर पे भी इतना पानी का वेस्ट करते हैं और स्कूल में भी लेट अस सी इफ़ वी सेव वाटर बाय एडोप्टिंग स्मॉल मेजर्स देखते हैं कि हम कैसे उसको बचा सकते हैं टर्न ऑफ द टैप वॉल ब्रशिंग एंड वैन यू आर नॉट यूजिंग इट अभी आप देख रहे होंगे कि आप जब वॉश बेसिन के वहाँ ब्रश करने खड़े रहो तो आप टैप वाटर चालू रखते हो वो नहीं करना है जब भी चाहिए तो आप टैप वाटर ऑन करो और फिर आपको जो भी माउथ क्लीन करना है करो फिर वो बंद कर दो तो उससे हमारा पानी बचेगा डू नॉट यूज़ शावर while बाथिंग instead ऑफ यूज़ बकेट जब आप नहाने जाते हो तो शावर यूज़ नहीं करना है उसकी जगह पर आपको बकेट यूज़ करनी है चेक द लीकेज ऑफ वाटर एंड गेट इट रिपेड अगर लीकेज होता है पानी मतलब तो टैप नल अगर लीकेज होता है तो आपको उसको तुरंत रिपेयर करवा देना चाहिए तो वो जो पानी लीक होता है उतना बच जाएगा वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एज दे नीड लेस वाटर एट दैट टाइम सुबह में आप पानी डालोगे तो उस वक्त प्लांट्स को इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए लेस वाटर में आपका काम हो जाएगा वैन इट इज सनी वाटर जस्ट एवापोरेट्स फ्रॉम द सॉयल अगर ज़्यादा धूप हो गई और उस वक्त आप डालोगे पानी तो वह सन की वजह से क्या होगा वाटर एवापोरेट हो जाएगा सॉयल में से सो इट इज़ बेटर दैट अब सुबह में डाल दो पानी तो प्लांट को भी अच्छे से पानी मिल जाएगा और वो एवॉपोरेट भी नहीं हो जाएगा वाटर द प्लांट्स बाय यूजिंग वाटरिंग कैंस एंड नॉट होजिज एज इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ प्लीसीस वाटर देखो तो यहाँ पे दिखा है कि वाटर द प्लांट्स बाय यूजिंग वाटरिंग कैंस जो वाटर का कैन होता है उससे आप पानी डालो नॉट होजिज़ डायरेक्ट नहीं करना है इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ प्लीसीस वाटर उससे पानी का बहुत बिगाड़ होता है लेफ़्ट ओवर वाटर इन योर वाटर बॉटल कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स आप स्कूल स्कूल से जाते हो तो कितने बच्चे क्या करते हैं स्कूल से जाने के वक्त पूरी बॉटल भरते हैं फिर जा, घर जाके वो बाहर फेंक देंगे पानी को ऐसा नहीं करना है जितना भी पानी बचा है तो आप प्लांट्स हो या कुछ हो घर पे तो उस पर डाल दो तो वेस्ट भी नहीं होगा और प्लांट को पानी भी मिल जाएगा तो ये जो मैंने दिए हैं सिक्स पॉइंट्स तो वो याद रखना इट इज़ वेरी गुड टू सेव वाटर रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट्स सो सेव एवरी ड्रॉप फॉर द फ्यूचर हमारी आने वाली जिंदगी के लिए वो पानी बचा के रखना इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव नो वाटर टू ड्रिंक हमारे कितने ऐसे वर्ल्ड में इतने पार्ट है ऐसा कि वहाँ पे पीने के लायक पानी नहीं बचा है इवन इन अवर कंट्री वीच हैज़ सो मैनी रिवर्स वी फेसिस शॉर्टेज ऑफ वाटर हमारी कंट्री में इतनी रिवर होने के बावजूद भी हम पानी की शॉर्टेज बहुत होती है सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च बाई सेविंग वाटर ट्वेंटी सेकेंड मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन हम बहुत पानी सेव करना चाहिए और जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते भी हैं तो अभी आपको भी चल पता चल गया कि ट्वेंटी सेकेंड मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं तो अब भी उस दिन पानी बचाने की कोशिश करें नाव आई एम शोइंग यू दिस एक्सरसाइज and afterwards i will show you that answer key also so take a screenshot of this chapter number 6